गाइस आई एम बैक और इस वीडियो में गाइस मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो शायद शायद आपको पता नहीं होगी चीज़, क्योंकि मुझे नहीं पता थी काफ़ी सालों तक। सो आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद यू। नाउ यू बीन ट्रेनिंग फॉर से 1 ईयर, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन योर स्केड्यूल और योर एज। अब उस ट्रेनिंग के बाद हम इतनी मेहनत करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, अच्छे सप्लीमेंट लेते हैं, और फिर एक दिन हम जज्बाती होके या कुछ भी होके हमारे से या तो वेट ज़्यादा उठ जाते हैं या हमारे को इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। बिकॉज इंजरी इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी एथलीट। या आपके साथ भी हुआ, अगर नहीं हुआ तो शायद हो जाएगा, बिकॉज दिस हैपन, दिस इज़ नॉर्मल एंड नेचुरल। नाउ इंजरी के बाद हमारा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें यह लगता है कि अरे यार, अब तो इंजरी होगी, अब तो हमारे गेंस भी खत्म हो जाएंगे। व्हाट डू वी ईट, अब खाएं ना खाएं, सप्लीमेंट्स लें ना लें इंजरी के टाइम पे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको इंजरी हो, ए आपको कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, दो वो कौन से ऐसे सप्लीमेंट है जो आपको इंजरी की हीलिंग में हेल्प करेंगे। गाइस दिस इज़ बी वेरी सरप्राइज, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही है। सो वो कौन से ऐसे दो सप्लीमेंट हैं जो आपको हेल्प करेंगे, यू विल बी सरप्राइज, जो शायद आप ऑलरेडी ले रहे हो। ये गाइस, नंबर 1 इज़ वे प्रोटीन, नंबर 2 इज़ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्योंकि गाइस होता है क्या, जब भी आप इंजर आपको कोई भी इंजरी होगी, चाहे वो स्ट्रेन हो, चाहे वो स्प्रेन हो, कुछ भी हो, आप क्या होगा, आप ऑब्वियसली बैठ जाओगे, आप इमोबाइल हो जाओगे, आप कहीं भी मूव नहीं कर पाओगे, और होगा क्या कि आपकी डाइट भी कम हो जाएगी। इस सिचुएशन में आप यूजुअली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हो, विच मीन्स आपकी बॉडी में खाना ज़्यादा नहीं होता। आप ज़्यादा खाते नहीं फॉर सिंपल फैक्ट, क्योंकि आप बर्न नहीं कर रहे हो, आपकी भूख नहीं लगती। दूसरा, आपके दिमाग का भी हालत ही होती है, मैं ट्रेनिंग तो कर नहीं रहा, कैसे खाऊं, इतनी गिल्ट फीलिंग। सो इस सिचुएशन में गाइज आपको ज़रूर 2 स्कूप प्रोटीन चाहिए, विच मीन्स उसको 1 स्कूप में कम से कम 20 to 30 grams प्रोटीन होना चाहिए। और दूसरा, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ज़रूर लीजिए, 5 ग्राम प्रोटीन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इससे होगा क्या, इससे आपकी मसल जो हीलिंग है, जो इंजरी हीलिंग है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जस्ट इमेजिन करिए, जैसे ही आप ये चीज़ें लेंगे, ऑब्वियसली जो आपके टिश्यूज़ हैं, ऑब्वियसली यू बीन इमोबाइल, वो डेफिशिएंट हैं। इसको डालने से ऑब्वियसली यू नो यू विल इंक्रीज़ योर प्रोटीन सिंथेसिस। उस प्रोटीन सिंथेसिस से गाइज आपके जो सेल्स हैं उसको रिपेयर होने में बहुत 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 आसानी हो जाएगी गाइज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रोटीन ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मसल्स। गाइज ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होती। वो क्या करते हैं, ऐसी इंजरी में जब भी आती है उनको इंजरी, वो या तो ऑब्वियसली वर्कआउट तो हो नहीं सकता, बिकॉज कई इंजरीज ऐसी होती हैं बहुत सिवियर होती हैं, उसमें वर्कआउट नहीं कर पाते हो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डाइट पे भी अपना फोकस करना बंद कर देते हैं। ट्रेनिंग तो होने दी और डाइट भी बंद हो गई। तो गाइज ये चीज़ें ऐसी हैं, आपको बिल्कुल भी डरेल नहीं होना है, आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है, आपको बिल्कुल वो करना है जो आपने शुरू से करते आ रहे हैं। बिकॉज यू नो होगा क्या, छोटी छोटी चीज़ों से आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। सो प्लीज़ इन योर आर्सेनल, इन योर ट्रेनिंग स्केड्यूल, अगर आप इंजर हो गए, प्लीज़ ये 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करिए, क्रिएटिन और वे प्रोटीन। ये आपको हीलिंग में भी हेल्प करेंगे, और दूसरा ये आपको आपकी मसल सेल्स भी बड़े एक्टिव रहेंगे, जिससे आपको हीलिंग में भी बहुत 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 आसानी रहेगी। सो आई होप दिस क्विक टिप हेल्प्स यू। मैं ऐसे कई वीडियोस आपको बताता रहूँगा गाइस, जिससे आपको और आसानी होती रहेगी चीज़ों के लिए, बिकॉज ये मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बट दैट्स व्हाट आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। सो आई शैल सी यू ऑन दी अदर साइड।